हम एक बार फिर से लिए चलते हैं सीधे अनुराग ढांडा हमारे संवाददाता। अनुराग, ये जो तस्वीरें आप हमें भेज रहे हैं आपके कैमरामैन, क्या आप हमें बता सकते हैं क्या कुछ वहां पर हो रहा है इस वक्त? देखिए बिल्कुल सही, लगातार जो हम आपको बता रहे हैं वही कोशिश हो रही है कि हर कोने पर जाकर सीएम कहीं से भी अरविंद केजरीवाल ये मैसेज नहीं छोड़ना चाहते हैं कि वो लोगों से दूर हो रहे हैं और लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे इंतजाम के साथ दोबारा आएंगे, दोबारा जन सुनवाई करेंगे। अनुराग, हम आपको रोक रहे हैं, केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कहते हैं केजरीवाल। बड़ी है, अरविंद केजरीवाल की आवाज नहीं पहुंच पा रही, बहुत दूर छत पर वो खड़े हैं। अनुराग, अगर आप अरविंद केजरीवाल को सुन पा रहे हैं तो बताइए। अरे पुरुषोत्तम ले गया कहीं। जी बिल्कुल सही, वो लोगों से यही कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था में कमी रह गई और इसके लिए माफी मांग रहे हैं लोगों से। उनका कहना है कि अगली बार और बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग इतनी दूर दूर से आए हो, मेरी आप लोगों से गुजारिश है। मैं जितनी भी देर बैठा मैंने कोशिश की, थोड़ी देर में ऐसे हो गया लोग मेरी टेबल पे चढ़ गए, मेरी कुर्सी पे चढ़ गए, फिर मेरे को लगा मेरे को निकलना पड़ेगा नहीं तो मैं कुछ ले जाऊंगा आज। जितनी देर बैठा मेरे को मोटे मोटे तौर पे दिखाई दिया कि यहाँ पे ठेकेदारी से दुखी ज्यादा लोग आए हैं आज। तो मैंने यहाँ देख रहा हूँ, मैं बीएससीएस वाले हैं, कर्मचारी हैं, आशा टीचर वाले हैं, ठेकेदारी। पहली चीज तो मैं अभी मैंने वहां पे ऐलान किया था, मैं आशा वाले भी आशा वाले। अच्छा कोई नहीं, मेरे आप लोगों से सुनो, हॉस्पिटल हॉस्पिटल वाले भी सुनो, डीडीए वाले भी हैं। अच्छा डीडीए सोमवार को सारे डिपार्टमेंट से चिट्ठी लिख के पूछ रहा हूँ कि भाई आपके यहाँ कितने ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं और उनको पक्का चूनी किया जा सकता है। सारे डिपार्टमेंट से मैं रिपोर्ट मांग रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग 10 साल से ठेकेदारी पे काम कर रहे हो, थोड़े दिन का टाइम दे दो, एक हफ्ते में मैं रिपोर्ट मांग के और जो भी निर्णय होगा हम एक महीने के अंदर फाइल निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। और एक महीने में कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करेंगे। एक मिनट सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो एक मिनट। आज हम लोग आपकी समस्याएं सुन नहीं पाए क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। 3-4 दिन में मैं दोबारा व्यवस्था बना के हम दोबारा जन अदालत लगाएंगे, हम जनता के बीच में सर जी करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, सुन तो लो मेरी बात, पूरी बात तो सुन लो। हम दोबारा अदालत लगाएंगे, दोबारा जनता के बीच में आएंगे, दोबारा जनता की शिकायतें सुनेंगे, पूरी व्यवस्था के साथ सुनेंगे और पूरी व्यवस्था। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब 3-4 दिन बाद जब लगाए तो ठेकेदारी वाले ना आए, हमको एक हफ्ते का टाइम आपने दिया है तो और एक महीने का टाइम दिया। आरक्षण बंद करो, दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण नहीं चलेगा, आरक्षण नहीं चलेगा, आरक्षण बंद करो दिल्ली विश्वविद्यालय में सर, दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं चलेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय बाहर के स्टूडेंट को मौका मिला जाएगा, उनका हक मत छीनो, आरक्षण बंद करो दिल्ली विश्वविद्यालय में, हमें भी पढ़ने दो सर। लेकिन अब यहाँ पे बैठने से कोई फायदा नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण बंद करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर के विद्यार्थियों का हक मत छीनो। हम अनाउंस करेंगे टीवी में, सारी की व्यवस्था करने में थोड़ा आरक्षण बंद करो, आरक्षण नहीं होना
किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को समझाया है और ये कहा है कि भीड़ ज्यादा हो गई थी, भीड़ बेकाबू हो गई थी, हम सबसे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मोटा मोटा जितना समझ पाए हैं वो ठेकेदारी से लोग परेशान हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लोग ज़्यादा हैं, भीड़ ज़्यादा उमड़ी है, अपनी अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी अपनी परेशानियों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में ये लोग पहुंचे थे, लेकिन इन्हें निराशा हाथ लगी है। अरविंद केजरीवाल ने माना है कि कमी हमारी व्यवस्था में रह गई है, हम पूरी व्यवस्था करके लौटेंगे, 3-4 दिन में फिर से जनता दरबार लगाया जाएगा।